गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग दिस। इस वाले ब्लॉग के अंदर हम जा रहे हैं बीडीएन के। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you. तो गाइस हम आ गए हैं बीडीएन के पार्क और ये मेरे पीछे जो है बीडीएन के पार्क है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। मेट्रो के अंदर 5 से 10 मिनट लगते हैं, जिसकी 51 रूबल जो है 51 रूबल्स उसकी कॉस्ट है। तो चलते हैं हम बीडीएन के पार्क के एंट्री के अंदर। आइए। तो हम बीडीएन के सेंटर के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। तो ये एक एग्जीबिशन सेंटर है जो 23,75,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर फैला हुआ है और इस पूरे पार्क में कम से कम 400 बिल्डिंग्स हैं। और ये सोवियत एरा के टाइम से ये स्टार्ट हो गया था यहाँ पे बनना। तो चलिए अंदर चल के यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। सीधी बात बताऊँ, ये मोसो का प्रगति मैदान है। मतलब प्रगति मैदान इतना और ये इतना। इसमें भी अलग अलग जो यूएसएसआर के इनके जो देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके कल्चर हॉल्स बने हुए हैं उस टाइप का ही, जैसे हमारे दिल्ली में प्रगति मैदान था। पूरा एक तरह से कल्चरल सेंटर है सोवियत के टाइम का और सारी इसके अंदर बिल्डिंग्स हैं। ये पूरे हम बोले तो सीधा ऑलमोस्ट रशिया को रिप्रेजेंट करता है इसमें। आई थिंक पूरे सोवियत को ही रिप्रेजेंट करता है पूरा विधि इनके पास। तो चलो आगे देखते हैं। कैसा शॉट आया? शॉट बढ़िया। उससे पहले क्या बोला था? अबे चला नहीं आया। नहीं, शॉट अच्छा है। देखो, नहीं शॉट देख, बिगड़ गया। अबे नहीं, शॉट अच्छा है। दोबारा दे दो। एक बार वन मोर ट्राई ब्रो। इस बार अच्छा आएगा। लाइक अ प्रो। तो यहाँ पे रिसभ पूरा ट्राई कर रहा है कि मस्त सिनेमैटिक शॉट्स आ जाए गिम्बल से। देखते हैं आपके कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अभी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में पोल्यूशन है तो अच्छा है। यहाँ बहुत तेज धूप आती है। कैसी धूप लगी? इतनी तगड़ी धूप है ना, आंखें जल गई हैं। थोड़ी देर बाद ना मुझे दिखना बंद हो जाएगा। मैं कहूँगा बर्फ गिर रही है क्या, इतना अंधा होने वाला हूँ मैं। थोड़ा ब्राइटनेस पूरी फुल कर दी है, फुल। मैं बताऊँ, जो हमारे साथ भैया आए हुए हैं वो इतने जोश में व्लॉग बनाने के लिए इस धूप के अंदर लगे पड़े हैं, बनाए जा रहे हैं भाई, आ ही नहीं रहे। और हम यहाँ पे हमारे कच्चे पानी हो गए हैं। हम इतना थक के भाई टी शर्ट से लेके जीन्स तक सब पसीने में गीली हो चुकी है। बहुत तेज धूप होती है मॉस्को में। यहाँ पे धूप इतनी तेज इसलिए होती है क्योंकि मॉस्को ये जो रशिया वाला एरिया है ना, ये अर्थ के एज पे होता है, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। आप विदेक है के अंदर एंट्री लेंगे तो ये मेन बिल्डिंग है इस यहाँ पे, मॉन्यूमेंट ऑफ लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और जस्ट इसके बिहाइंड पे हमारे पास है ये बहुत प्यारा सा फाउंटेन, इस फाउंटेन का नाम है फ्रेंड, क्या नाम था वैसा? पीपल्स फ्रेंडशिप फाउंटेन। तो इस फाउंटेन का नाम है पीपल फ्रेंडशिप फाउंटेन। We'll be right back.
तो अभी हम एक कैफे के अंदर आके बैठे हैं। ये विदिनखा के अंदर अच्छा एक कैफे है, बहुत प्यारा कैफे है। इस कैफे का नाम है लस्तोचका। और ये पीछे से ऑटो की आवाज़ आ रही है, स्कूटर की पता नहीं चलेगा। ऑटो की घास काटने वाली मशीन है, खराब हो गया। घास काटने वाली मशीन है, घास काटने वाली ऑटो इंडिया के अंदर हमें यही आवाज़ सुनाई दी देती है ना, तो मेंटली वही फिक्स है कि ऑटो की आवाज़ आ रही है। तो आपको इस तरह के यहाँ पे विद्यानखे के अंदर बहुत सारे कैफे मिलेंगे। इस साइड भी देखो मस्त कैफे है, इस साइड भी, राइट साइड में भी एक बढ़िया सा कैफे। पायरेट ऑफ द कैरेबियंस का एंकर उखाट के ले आए यहीं पे। तो विद्यानखे के अंदर यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है, इतनी शांत जगह है, इतना प्यारा यहाँ का नेचर है। तो मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे ये मैनमेड लेक बनी हुई है, और इस साइड भी मैनमेड लेक है और बहुत प्यारा है। यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, और इसके अंदर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है। तो आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आ गए हैं रिलैक्स मोड के अंदर, तो करने जा रहे हैं रेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। भाई सब्सक्राइब करने को बोल दो मेरी पब्लिक को, बेचारे सब्सक्राइब नहीं करती। और चैनल इन दो लोगों से सपोर्ट। और हम रिलैक्स मोड पे हम दिखाते हैं कहाँ पे आए हैं। ये देखो ऐसी जगह आके तो पक्का रिलैक्स में आ ही जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा सी यू लेटर, बाय बाय। तो क्या मौसम हो रहा है यहाँ, क्या मौसम हो रहा है, क्या ही बताऊं यार। इतना थकावट हो रही थी, मगर थकावट सारी खत्म हो गई। इस तरफ सूरज है, ऊपर बारिश हो रही है, और इस साइड रेनबो है। भाई साहब ऐसा मौसम नहीं देखा, ऐसा मौसम नहीं देखा भाई। बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारा। आई लव मॉस्को, आई लव रशिया। मॉस्को इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अंदर तुम जो ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये कॉस्मोस सेंटर है। ये जो मेरे इस साइड है, ये पूरा ये कॉस्मोस सेंटर है। और अगर मैं पीछे अपनी तरफ दिखाऊं, इधर देखो एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैं और पीछे घुमाता हूं, और ये दिखता भाई पूरा रॉकेट, ये देखो। तो ये मेमोरियल है जब USSR के टाइम के अंदर पहला स्पेस रॉकेट जो स्पेस में गया था। तो बहुत प्यारा है यहाँ पे। अभी सारा बारिश होने के बाद मज़ा आ रहा है। I'm not afraid to die.